सुल्तानपुर से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल जौनपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति अपने पोते की मौत के बाद शव वाहन के लिए दौड़ते रहे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस के लिए पैसे की डिमांड करने लगे। अपने पोते का शव कंधे पर लेकर जब बुजुर्ग दंपति बस अड्डे पर पहुंचे तो बस वाले ने भी शव को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। बाद में स्थानीय और पुलिस वालों ने बस ड्राइवर पर दबाव बनाते हुए बुजुर्ग दंपति को बस में बैठाकर घर के लिए रवाना किया। वहाँ सब सरौली के रहने वाले हैं। सरौली के रहने वाले, इसके बाद हम आए कादीपुर। हाँ, कादीपुर भर्ती किए। हाँ, वहाँ दवा हुआ, मतलब सुई सुई लगाए। हाँ, इसके बाद फिर एम्बुलेंस द्वारा हम सुल्तानपुर लेकर गए। तो सुल्तानपुर लेकर के गए, वहाँ भी सुई दिए, कहन 5 मिनट देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा कि बच्चा जीवित है कि नहीं जीवित है। हाँ, तो उसके बाद बताया कि मतलब जो है बच्चा खत्म हो गया। सही बात। तो बेबस दादा के कंधे पर पोते का शव पड़ा रहा। अस्पताल कर्मियों ने यहां पर मदद नहीं की और बाद में जाकर पुलिस ने ड्राइवर पर जब दबाव बनाया, बस के ड्राइवर पर जब दबाव बनाया तो जाकर उन्हें घर पहुंचाया गया। और दिनकर श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनकर, अमानवीय चेहरा अस्पताल का और प्रशासन का लगातार नजर आता रहा है। परिजन दर दर भटकते रहते हैं कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए और शव को वो अपने घर ले जा पाए ताकि अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन व्यवस्थाएं क्या है ये जमीनी हकीकत सामने आती है और जो संवेदनहीनता है वो भी लोगों के सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, संवेदनहीनता नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक पड़ोसी जनपद का व्यक्ति जो आता है इतनी दूर से अपने पोते को इस उम्मीद में कि उसका इलाज हो जाएगा, वो ठीक होगा, हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब वो चाहता है कि उसको एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए जिससे वो पहुंच सके, तो उसे पैसा मांगा जाता है और किसी तरह वो बस स्टेशन पहुंचता है अपने पोते को लेकर, और वहां से फिर वो वहां पर भी बस वाले नहीं तैयार होते हैं, फिर वो पहुंचता है किसी तरीके से कादीपुर, जहां पर अपने जो है पोते को लेकर जाता है, उससे पूछा जाता है तो कहता है मुझसे पैसा मांगा जा रहा था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संवेदनहीनता नजर आ रही है। हालांकि इस मामले को जब जो है यहाँ पर मीडिया ने से ये चर्चा इसकी हुई, तो आनंद फानंद में इसमें जो है एक पत्र जारी किया गया है अपर जिलाधिकारी की तरफ से कि इस मामले की जांच की जाएगी। अब जांच में क्या निकलता है ये तो भविष्य के ग्रंथ में, लेकिन फिलहाल संवेदनहीनता निश्चित रूप से इस मामले में पूरी तरह से। चलिए, धन्यवाद आपका दिनकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।